जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम आपको हमेशा अच्छी और सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्रदान करते हैं। कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखे और वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके हाथों में धनवान रेखा है या नहीं है, इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, एक बहुत छोटा ट्यूटोरियल है, लेकिन एक हस्तरोग ज्योतिष के हिसाब से एक ओवरऑल व्यू पर हर आदमी के रेखाओं में धनवान की रेखाएं होती है, बस उसका देखने का तरीका ज्योतिषियों पर। सबसे पहली कंडीशन, आपकी जो चारों पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर मैंने गोले से अंडरलाइन कर लिए, ये चारों उठे हुए होना चाहिए। आप हाथ को स्पर्श करके देखें और अगर आपको उठे हुए लगते हैं तो आप धनवान आप हैं। दूसरी कंडीशन है कि सूर्य रेखा से आपकी जो दोनों रेखाएं हैं दिखाई दे रही है आपको, उस पर्वत से यदि इस तरह की रेखा जाती है, आप ये कंडीशन आपके हाथ में देखें है या नहीं। अगर ये कंडीशन आपके हाथ में बनती है तो दोस्तों आपके हाथों में धनवान रेखा है। शर्त यह है कि इस रेखा को कोई भी रेखा काटना नहीं चाहिए, सीधी जिस तरह से आ रही है वो आ रही है, आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तीसरा विजुअल है, इसमें बुद्ध पर्वत से ये रेखा सीधे जाते हुए आपको दोनों रेखाओं को काटते हुए सीधे जा रही है। अब बुद्ध पर्वत से जो रेखाएं निकल रही, जो जा रही है सीधी, इस तरह की रेखा का जरूरी नहीं कि वो जिस पॉइंट पे ये दोनों को काटते हुए दोनों के बीच में भी खत्म हो सकती है, ये तो केवल आपके लिए एक उदाहरण है। अगर ये कंडीशन भी बनती है तो ये भी धनवान रेखा है। ये तीनों कंडीशनें जो मैंने आपसे शेयर की, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर किसी भी जातक की कुंडली में ये होती है तो वो बहुत, उसके हालात कुछ भी हो लेकिन वो बहुत दूर तक पहुँचता है, बहुत बड़ी शख्सियत बनता है। तीसरी कंडीशन ये है कि जो सूर्य पर्वत से होकर नीचे भाग्य रेखा जिसे कहते हैं, अगर ये आती है नीचे तक और कोई चंद्र पर्वत से, जैसे कि चंद्र पर्वत जहाँ से तीन रेखाएं आपको दिखाई दे रही है, चंद्र पर्वत यहाँ से कोई दो रेखाएं तीन रेखाएं निकलकर अगर उस तक मिलकर जाती, उसमें मिलती है या जाती है, तो भी जातक बहुत भाग्यशाली होता है धन के मामले में। ये बहुत बेहतरीन कंडीशनों में से एक कंडीशन है जो बहुत धन संपदा होती है। अब दोस्तों, ये जितनी भी कंडीशन है, चार कंडीशन मैंने आपको बताई, जो चारों कंडीशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, अगर इन कंडीशन में किसी भी व्यक्ति के साथ बनती है तो पहली बात उस व्यक्ति के पास धन का कभी अभाव नहीं होता, दूसरी बात वो किसी भी हालात में हो, उसके हालात कैसे भी हो, उसको भी कभी धन से उसे जूझना नहीं पड़ता है। तीसरी बात है कि अगर आपकी रेखाएं हैं और उसमें कोई रेखाएं काट रही है तो वो प्रभाव उतना गंभीर, जितना आपको देना चाहिए उतना नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। चौथी बात है कि रेखाएं हमेशा परिवर्तित होती है, आप याद रखना, 2 साल पहले आपके हाथों की रेखाओं का एक फ़ोटो खींच लीजिएगा और 2 साल बाद का खींच लीजिएगा, वो बिल्कुल परिवर्तित होती रहती है, तो वो कर्मों पर आधारित होती है। रेखाओं का कर्म से बहुत कुछ लेना होता है, इसलिए आप अच्छे कर्म करते रहें, हमेशा अच्छे कर्म करते रहेंगे तो आपको कभी भी किसी प्रकार धन का अभाव नहीं होगा। आप नशे, किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, व्यसन नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना सात्विक रहेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये धनवान की रेखाएं थी जो मैंने आपसे शेयर की, पहला ट्यूटोरियल था। दूसरा ट्यूटोरियल मैं कुछ ही दिनों में आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें और अलग से बातें बताऊंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल के नीचे कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें। जय श्री महाकाल।